कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, ये डेमो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, 20 सितंबर से हमारा न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, और जिसमें मैं ओनली 10 स्टूडेंट्स लूँगा। आप अगर चाहे तो अपनी एडवांस बुकिंग कराकर अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं। गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, जल्दी से बुक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप अपने आप को अपडेट करेंगे। कहीं पे भी जाकर के हजारों लाखों रुपए पे नहीं करना है आपको। 10 दिन लाइव क्लास रहेगी मेरी, साथ ही साथ मैं बहुत सारे वीडियोज भी आपको दूंगा, एप्लीकेशन भी आपको दूंगा, और बहुत सारे टॉपिक्स जो कि यहाँ पे लिखना इतना पॉसिबल नहीं है। जितना भी एंड्रॉयड में बेसिक टू एडवांस, बेसिक से लेकर सारा एडवांस आपको बताऊंगा, कंपोनेंट से लेकर के हर चीज, सारे सेक्शंस आपको बताऊंगा। और बहुत सारे ऐसे स्पेशल टॉपिक्स भी है, जैसे शॉर्टिंग के लिए आप फंस जाते हो, हाफ शॉर्ट है, या फिर डीसी को इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है, शॉर्टिंग के टाइम पे कैसे इस्तेमाल करें, 6 पोर्ट चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट जो होता है चार्जर का बॉक्स जिसे आप कहते हैं, उसे इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है, वो भी बताऊंगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ईजी वे में आप हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा सेक्शंस को, डेड सेक्शन को स्पेशली। इसके अलावा डबल पावर, सिंगल पावर, ट्रिपल पावर कैसे काम करती है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है, सीपीयू की वर्किंग क्या है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, ईएमसी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूएफएस के रिक्वायरमेंट क्या है, डीएसओ का इस्तेमाल कैसे करना है अगर आपके पास डीएसओ है, अगर आप सिग्नल चेक करना चाहते हैं, जैसे कि आरएफएफई क्लॉक नेटवर्क सेक्शन में चेक करने होते हैं, अदरवाइज आप सीपीयू ओपन कर देंगे, सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे, जबकि सीपीयू का वहां पे काम ही नहीं है, सीपीयू को निकालना ही नहीं है आपको, तो वो आपको देखने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तब भी आप नेटवर्क सेक्शन रिपेयर कर सकते हैं, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको। चार्जिंग सेक्शन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लो चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्जिंग बढ़ नहीं रही है, परसेंटेज नहीं शो हो रहा है, चार्जिंग का सिंबल शो नहीं हो रहा है, या फिर चार्जिंग डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर डिटेक्ट करके छोड़ रहा है, तो क्या चीजें चेक। इसके अलावा पावर एसी में, मीडियाटेक में पावर बूट सिक्वेंस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्वालकॉम पावर बूट सिक्वेंस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कैसे क्वालकॉम में पावर सेक्शन काम करता है, क्या क्या आपको वोल्टेजेस चेक करने हैं, 4G 5G नेटवर्क सेक्शन देखेंगे डीपली, सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आरएफएसई कैसे काम कर रही है, 2GPA FEMIC कैसे काम कर रही है, 4GPA 5GPA DRXIC LNA कैसे वर्क करता है, SPDT कैसे वर्क करता है, एंटीना स्विच में क्या सप्लाई इन हो रही है, हाई बैंड के लिए कौन सी सप्लाई चेक करनी है, आपको जियो वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन सी सप्लाई है चेक करनी है, क्या क्या वोल्टेजेस आते हैं, रेडियो ऑफ है तो क्या प्रॉब्लम, क्या चेक करें, रेडियो ऑन है तो क्या चेक करें, नो सर्विस बता रहा है तो क्या करें, इमरजेंसी कॉल में है तो क्या चेक करें, 2G 3G तो चल रहा है, 4G नहीं चल रहा है तो क्या चेक करें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लो नेटवर्क है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, सारा चीज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है, सर्किट डायग्राम रीड करना आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे डायग्राम को रीड करना है, कंपोनेंट सीरीज में लगे, पैरेलल में लगे हैं, सारा चीज आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज डेमो वीडियो में हम देखते हैं एक DRXIC, डायवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल इसे कहते हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे स्केमेटिक में आके अगर आप चेक करेंगे ब्लॉक डायग्राम में, तो ये एक रेडमी नोट 5 प्रो का एक मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ले लिया है। जैसे कि आप जानते हैं नेटवर्क सेक्शन में इसमें तो काफी कम आईसियां हैं, और भी हैंडसेट में बहुत सारे आईसियां होते हैं, सबका अपना अपने वोल्टेजेस होते हैं, सबको सीपीयू से अलग अलग आरएफएफई लाइनें होती हैं क्लॉक डाटा की, जिससे सीपीयू कमांड देता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, सीपीयू के लिए सारे स्लेव आईसी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ DRXIC, इसमें कौन से आईसी है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारा SDM636 CPU होता है, जिसको हम डायग्राम में U201 के नंबर से जानते हैं। ये U1501 हमारी SDR660 होती है, जिसको हम RFIC या फिर IFIC के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के नाम से हमें जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी मेन आईसी होती है 2GPA, जिसको हम एंटीना स्विच आईसी बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको SKY77912 इस तरीके से नंबर देखने मिलेगा, डायग्राम में ढूंढेंगे आप तो U1803। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और आईसी होती है हमारी 4GPA, जिसको हम U1804 के नाम से जानते हैं, और इसमें भी काफी सारे वोल्टेजेस आते हैं, काफी सारे सिग्नल्स आते हैं। इसके अलावा हमारी एक APT पावर, एवरेज पावर ट्रैकर जिसे हम कहते हैं, उसमें भी RFFE आती है, वोल्टेजेस आते हैं, उसमें भी सिग्नल्स आते हैं, उससे भी कुछ वोल्टेज जनरेट होकर के 4GPA को दिया जाता है, जो कि किस चीज के लिए होती है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एंटीना की जो सप्लाई हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, SPDT स्विच, डबल पोल डबल थ्रो, ये एक हमारी एक स्विच आईसी होती है, इसके अंदर इस यहाँ से एंटीना हमारा देख रहे हो, यहाँ से कनेक्टेड है, और यही ये 2GPA के साथ कनेक्ट है।
और आज मैं जो आपको बात करने वाला हूं ओनली डीआरएक्स आईसी के बारे में। ये देख सकते हैं ये डायवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल, जिसका मैंने यहाँ पे डाटा शीट बनाई दी है आपको बहुत इजीली समझाने के लिए, और इस तरीके से कैसे बनाना ये सारा चीज मैं आपको क्लास में सिखाता ही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस आईसी में एंटीना कनेक्टेड है, और ये आईसी अगर डायग्राम में कैसे दिखती है अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं ये एंटीना स्विच है इसका, और यहां से होकर के सिग्नल यहाँ पे आते हैं। ये आईसी जो होती है हमारी 20 लैग की होती है, हर एक में अलग अलग लैग रहेंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा, सब में सप्लाई कुछ अलग अलग तरीके की सप्लाई यहाँ पर आती है। अगर मैं हार्डवेयर सोल्यूशन यहाँ पर खोल दूं इस मॉडल का, तो ये देख सकते हैं इस आईसी के बारे में डायग्राम में बोर्नियो वाले ने भी कुछ नहीं बताया है, और अगर आप इस आईसी पे काम नहीं करेंगे और इस आईसी का फॉल्ट होगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क कभी नहीं आने वाले। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया है, और अगर कंपोनेंट नेम में भी देखें तो इसका नाम इन्होंने नहीं बताया है। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे छोटा करके आपको बताता हूँ, इस आईसी को इन्होंने बिल्कुल बताया ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि बोर्नियो से आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको सीखना होगा। अब बता दूं फ्रेंड्स इस आईसी से प्रॉब्लम क्या आती है, अगर ये आईसी खराब हो जाए या शॉर्ट हो जाए या ये आईसी बोर्ड में नहीं रहेगी या वाटर डैमेज हो जाए या इनकी जो कुछ मेन सप्लाई होती है ये वाटर डैमेज की वजह से ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है या शॉर्ट हो जाती है, तो आपका हैंडसेट चला जाएगा रेडियो ऑफ नो सर्विस में। उसके बाद ना तो आपका कोई अंदर प्रोवाइडर लिस्ट बनेगा, ना तो 2G आएगा, ना तो 3G आएगा, ना तो 4G वर्क करेगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये जो आईसी होती है किस चीज के लिए होती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा आपके मोबाइल में काफी सारे कंपनी के इमरजेंसी अलर्ट मैसेजेस आते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जब आपकी वोटिंग वगैरह होती है, इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे मैसेजेस आते हैं, या कोरोना के टाइम पे बहुत सारे मैसेजेस हमको आया करते थे, या फिर कुछ गवर्नमेंट की नई स्कीम आती है तो आपको मैसेजेस आते हैं, या कंपनी की तरफ से मैसेजेस आते हैं। तो ये जो आईसी होती है सिर्फ रिसीविंग के लिए होती है, इससे डाटा कुछ आउट नहीं होता है, इससे कुछ मैसेजेस जाते नहीं है, सिर्फ वो इनकमिंग होती है, इनकमिंग मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सिग्नल जो मैसेजेस होते हैं आते हैं, तो यहां से देख सकते हैं सारे आ रहे हैं, मतलब सारे RX लिखा हुआ है, कहीं पे भी TRX नहीं लिखा, कहीं पे भी TX नहीं लिखा है। TX का मतलब होता है ट्रांसमिट, जैसे इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे TRX लिखा है सारी लाइनों में, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ DRX लिखा है, डायवर्सिटी रिसीविंग। ये सारे बैंड होते हैं, हाई बैंड, लो बैंड, और ये बीच में छोटे से स्विचेस होते हैं, उसे थ्रू होते हुए ये SDR IC के DRX सेक्शन में इन हो जाते हैं। यहां से आपका CPU तक सप्लाई जाती है RFFE क्लॉक डाटा के थ्रू, और उसके बाद वो CPU जो है ये रिसीव कर करके हमको डिस्प्ले पे मैसेजेस दिखाता है। तो यहाँ पे ये सिग्नल सारे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं DRX, जितने ब्लू कलर की पिने देख रहे हैं DRX है, ब्लैक कलर की जो पिने देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पिन है, और CPU से जो सप्लाई आ रही है क्लॉक डाटा की, उसको हम RFFE क्लॉक, RFFE डाटा जो कि CPU से होता है, अगर आप इसमें आप अगर आपके पास DSO है तो यहाँ पे आप सिग्नल चेक कर सकते हैं। क्लॉक की सप्लाई भी आती है आपको यहाँ पर, और डाटा के भी सिग्नल आप देख सकते हैं, उसके पैकेट्स देख सकते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को DSO के थ्रू देख सकते हैं आप। कैसे देखना है ये मैं लाइव आपको देख के बताऊंगा। अगर ये सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको CPU खोल कर रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इस आईसी के और भी सप्लाईओं में आपको काम करना होता है। यहां पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो ब्लू कलर की सप्लाई देख रहे हैं या ब्लैक कलर की सप्लाई देख रहे हैं, ये सारे के सारे पिने टूट गए या ब्रेक हो गए या काम नहीं कर रहे, तब भी आपका सारा का सारा नेटवर्क आएगा, क्योंकि आपको इस आईसी को यहाँ पे लगा रहना है। और ये जो नीचे की पिने देख रहे हैं, ये सारी की सारी 5 पिने इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड जरूरी है, इसके पास 2.7 VDD वोल्टेज बहुत जरूरी है जो कि 17 नंबर पिन में आता है और पावर आईसी से आता है। इसके अलावा 18 नंबर पिन में अगर आप देखोगे वोल्टेज इनपुट आउटपुट VIO वोल्टेज होता है, इसकी RFFE सर्किट को वर्क कराने के लिए ये भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका मोबाइल नो सर्विस और रेडियो ऑफ में चला जाएगा। तो दोस्तों ये नीचे की 5 पिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक छोटा सा मैंने आपको सोल्यूशन दिया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, यही आईसी सारे हैंडसेट में नहीं आता है, हर एक में अलग अलग आपको देखने मिलेगा, और हर एक में वोल्टेजेस भी अलग अलग आते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे सब में यही वोल्टेज नहीं आते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास में बताऊंगा, अलग मॉडल में अलग आईसी होती हैं, तो सारे पिने भी चेंज हो जाएंगे, नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे एंटीना की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं 9 नंबर पे इसका एंटीना कनेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देख सकते हैं ये एंटीना की जो सप्लाई इस तरीके से होकर के यहाँ पे 9 नंबर तक कनेक्ट होती है, 1 नंबर यहाँ से शुरू होता है उसका, 9 नंबर यहाँ पे होता है, तो ये एंटीना की भी लाइन बहुत जरूरी है। ना तो इन्होंने हार्डवेयर सोल्यूशन में इसके बारे में कोई भी
यहाँ पे आपको इंडिकेशन दी है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेन एंटीना के बारे में बताया, ये देख सकते हैं जो कि 2GPE में जाता है, बट DRS की बात करूं तो इन्होंने कोई भी यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताया। ये नेटवर्क सेक्शन है फ्रेंड्स, जिसके वोल्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन सिग्नल RFFE के बारे में इन्होंने कोई डाटा यहाँ पे नहीं डाला है। अगर आप ये देख कर भी रिपेयर करेंगे तो आपका मोबाइल रिपेयर नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया 19 और 20 आपका RFFE क्लॉक डाटा है, जो कि हमने यहाँ पे बताया है 19 और 20, देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एंटीना की लाइन हमारी ये देख सकते हैं, बीच में कपलिंग कैप, एक एंटीना स्विच से होते हुए DP/DT स्विच से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा एंटीना 9 नंबर के साथ कनेक्ट है, जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको एंटीना 9 नंबर के साथ कनेक्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स 17 पे आपको 2.7 वोल्टेज यहाँ पे देखने मिलेगा और 18 पे 1.8, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो 17 और 18 पे देख लेते हैं, 17 पे 2.7 और 18 पे 1.8, यही चीज हमने यहाँ पर भी आपको बताई है। तो ये हमारा बाकी की जो ये सारी लाइनें होती है फ्रेंड, जो कि सारी की सारी SDR के साथ कनेक्ट होती है, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। ये SDR के साथ ये देख सकते हैं ब्लू कलर की सारी पिने जो है SDR 660 के साथ कनेक्ट होती है। SDR 660 के साथ ये सारी पिने कनेक्ट होती है, यहीं से इसके जो मैसेजेस के लिए जो सिग्नल्स आते हैं इस IC के थ्रू इस तक पहुंचते हैं, ये रिसीविंग होते हैं यहाँ से, मतलब डायवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल है जो कि SDR में ये सप्लाई कनेक्ट होती है, इसी से आपके नेटवर्क आते हैं। दोस्तों ये छोटा सा डेमो वीडियो मैंने आपने आपको दिया है, जब आप मुझसे क्लास ज्वाइन करेंगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, सारा कुछ आपको डीपली स्केमेटिक के थ्रू दूंगा, कैसे चेक करना है, कैसे वर्क करता है सर्किट। तो ये तो एक छोटा सा इस IC के बारे में मैंने बताया आपको, बहुत कुछ आपको सीखना है फ्रेंड्स, 4G और 5G में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो इस तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ये क्लास लेनी है तो जल्दी से कांटेक्ट करिए, यहाँ पे डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है। 20 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और रात 9:30 से 11:30 बजे, तो इसमें फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, बेसिक कंपोनेंट से लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीजें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स आपको वीडियोज भी देंगे बहुत सारे, जो कि हमने ऑलरेडी आपके लिए ही बनाए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए और कांटेक्ट करिए अगर ऑनलाइन मुझसे सर्किट डायग्राम की नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड स्केमेटिक की जो नॉलेज है हमारी फ्रेंड्स 10 साल से ज्यादा हमारा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है। सारे चीज हम बताएंगे आपको, CPU कैसे वर्क करता है, पावर AC कैसे वर्क करता है, और दो पावर है तो उसमें क्या करना है, सिंगल पावर में क्या करना है, पुल अप सर्किट क्या होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पुल अप रेजिस्टर्स लगे होते हैं आपके कैमरा सेंसर SMB के लिए, टच के लिए I2C, और आपके कैमरे या CC के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स, बोर्ड ID के रेजिस्टर्स होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं CPU की रिक्वायरमेंट क्या है, पावर AC की रिक्वायरमेंट क्या है, मॉडेम की सप्लाई हो गई, मेमोरी हो गई आपकी, APC की सप्लाई, APC 0 APC 1 क्या है, किसी को पता ही नहीं है कि APC 0 क्या है, APC 1 क्या है, कोर सप्लाई क्या होती है, VDD की सप्लाई क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। बहुत सारे अलग अलग हैंडसेट्स है, ये देख सकते हैं इसका कंट्रोल सेक्शन, पावर AC का, क्रिस्टल की सप्लाई, ऑन ऑफ की सप्लाई, पावर ऑन और क्यू ऑन सप्लाई क्या होती है, रिसेट ऑन, PS होल्ड, रिसेट एन, केबल पावर इसमें यूज नहीं किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉल्ट एन, क्योंकि दो पावर है तो फॉल्ट एन का सप्लाई तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, SPMI क्लॉक डाटा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस इसे कहते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे सप्लाई और भी होते हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं क्लास में बताऊंगा। स्लीप क्लॉक हो गया, या फिर VDD की बाईपास कैपेसिटर्स होते हैं, तो VCoin की सप्लाई होती है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर मिलेगा आपको। तो ये जो देख रहे हैं GPIO सेक्शन है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, इसका ग्राउंड सेक्शन है, इसका बक सेक्शन है, LDO सेक्शन है, वोल्टेज रेगुलेटेड सप्लाई जिसको हम लीनियर सप्लाई कहते हैं, या बक सप्लाई हो गई हमारी जिसमें हाई एम्पियर और लो वोल्टेज की सप्लाई बनती है, यहाँ पे आपको बक कॉइल्स मिलते हैं, कैसे स्विचिंग होती है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स जरूर लाइक करिए, अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, 20 सितंबर हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है और फीस बहुत कम फीस रखी गई है फ्रेंड्स, 50-50 हज़ार रुपये जाकर देकर आपको दूसरे शहर में जाकर के किसी होटल में रह करके, खाना अच्छा नहीं है, रहना पसंद नहीं आ रहा है, एकदम लोड लेकर सीखने की जरूरत नहीं है। मैं सारा वीडियोज भी दूंगा आपको, 6 महीने तक सारे वीडियोज रहेंगे आपके साथ, एप्लीकेशन दूंगा जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशन में आपके पास वीडियोस रहेंगे, आप फ्री टाइम पे उसको देखते रहिए, सीखते रहिए, और सपोर्ट भी दूंगा साल भर व्हाट्सएप का। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है ये। फर्स्ट टाइम मैं ये सेकेंड बार मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लास। जब पिछली बार की थी तो काफी सारे लोग मेरा डाटा लेकर के, काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे या फिर बाहर के लोग भी उससे अपडेट होकर के बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास काम वापस जा रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जुड़ जाइए आज ही मोबिकेट सॉल्यूशंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।